नारायणपुर जिले में रावघाट परियोजना के विरोध में हजारों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया है। ग्रामीणों की भीड़ उग्र हो गई है। पुलिस के लगाए बैरिगेट्स को तोड़कर ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर घुस आए, जहां पर जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। गुरुवार की दोपहर को ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों को रोकने में नाकाम साबित हुई है। भीड़ जब बैरिगेट्स तोड़ रही थी तो पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज भी किया, जिससे ग्रामीण और आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों की मांग है कि रावघाट परियोजना को बंद कर दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के रावघाट के लौह अयस्क का उत्खनन शुरू कर दिया गया है। यह हमारा अयस्क है और कंपनी इसकी चोरी कर रही है। उत्खनन को लेकर किसी भी तरह की ग्राम सभा नहीं हुई है। दो सप्ताह पहले बीएसपी के कॉन्ट्रैक्टर देव माइनिंग कंपनी ने ट्रक से लौह अयस्क का परिवहन करना शुरू कर दिया था, जिसे इलाके के ग्रामीणों ने चोरी बताया और ट्रक को खोड़गांव में ही खड़े करवा दिया था, जिसके बाद ट्रक से लौह अयस्क को खाली करवाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब थाने में इस मामले के संबंध में एफआईआर करवानी चाहिए तो पुलिस ने नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि 4 जून 2009 में कंपनी को दी गई पर्यावरण स्वीकृति की कंडिका ए में रात के दौरान किसी भी ट्रक का इन सड़कों पर परिवहन सख्त प्रतिबंधित है। कंपनी ने पर्यावरण मंत्रालय को कई बार आश्वस्त किया है कि समस्त परिवहन दिन के समय ही होगा। इस गैर कानूनी परिवहन को रोकने के लिए ग्रामीणों ने सड़क पर नाका भी बना दिया है। आसपास के कई गांवों के लोग विरोध के समर्थन में आए हैं, जिनमें मुख्य रूप से कोटगांव, खड़का गांव, बिंजली, परलभाट, खैराभाट समेत अन्य रावघाट खदान प्रभावित गांव है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे सड़क पर नाका लगाकर धरने पर बैठे थे। धरना को बंद करने पुलिस और कलेक्ट्रेट कार्यालय से अफसरों का लगातार दबाव आ रहा था। नक्सली केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। दबाव के बाद भी जब ग्रामीण नहीं माने तो जनपद ऑफिस बुलाकर क्या चाहते हो, सब कुछ देंगे कहकर लुभाया जा रहा था। माइनिंग प्रभावित कुछ गांव को सामुदायिक वन अधिकार पत्र भी मिला है। यह खनन परियोजना का सीधा उल्लंघन है। ग्रामीणों का कहना है कि रावघाट खनन परियोजना को बंद कर दिया जाए, जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन करते रहेंगे। नारायणपुर से अलसा ब्रीन नाज कुरैशी की रिपोर्ट। समिति के सदस्य द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो भी बिंदु है उस पर अध्ययन करके नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी और जिनको भी संबोधित है ज्ञापन उस तक पहुँचाया जाएगा। ज्ञापन क्या कुछ प्रमुख तौर पर मांगे? नहीं, अभी ज्ञापन में डिटेल देख नहीं पाया हूँ। ज्ञापन एक बार देख लें, जो भी डिमांड है वो नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे।